Hey guys, this is your boy Amandat Rawal और आज वीडियो में हम बात करने वाले एक नए कॉलेज के बारे में जिसका नाम है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप में से काफ़ी बच्चे इस कॉलेज के बारे में नहीं जानते होंगे, पर चिंता मत करो, आज हमें इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई हमारा जेई मेन्स उतना अच्छा नहीं गया है, तो कोई ऐसा रिस्पेक्टेड कॉलेज बता दो जहाँ पे हमें ना डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाए, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं और उन्हें मैं बता दूँ, हम है ना कॉलेज रिव्यू पे एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो हम ऑलरेडी 15-16 कॉलेज कवर कर चुके हैं। तो बीटेक के दौरान यार जब आप एडमिशन लेते हो, इन एक दो महीनों में आपको काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है, और आप अपने पेरेंट्स के 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो कहीं पे, तो पहले सारे कॉलेजेस देख लेना यार और फिर एक बढ़िया डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज हम यार थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या बात करने वाले हैं। इसके चार कैंपस हैं जिनमें से मेन कैंपस इसका नोएडा है और उसमें भी सेक्टर 62 इसका मेन कैंपस है, ये इसका सेक्टर 128 सिस्टर कैंपस है। सेकेंड ईयर आपका वकना घाट आता है, ठीक है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड हम गुना के बारे में बात करेंगे जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ये तीन ईयर बीटेक के लिए हैं, जो फोर्थ वाला है वो बीटेक के लिए नहीं है, वो आपकी जनरल डिग्रीज प्रोवाइड कराता है जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम। उसके बाद यार हम थोड़ा सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे कितना सीट है और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। जेई मेंस के बेसिस पे भी यार यहाँ पे एडमिशन होता है और आपके 12वीं के नंबर के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। साथ में आप सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री भी ले सकते हो और यहाँ पे यार आपको NRI कोटा भी मिलता है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है या नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में यार आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको किस किस में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो वो भी है। एडमिशन कैलेंडर क्या क्या है, कब अप्लाई करना है, कब काउंसलिंग होगी, लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें। प्लेसमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यार इसकी रिलेटिवली अगर हम बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करें जो कि इस लेवल पे थोड़ी सी बेटर लगी मुझे, ठीक है। और कट ऑफ क्या क्या रहेंगी आप थोड़ी सी यहाँ पे देख लो, बाकी इन्हें भी हम अच्छे से देखेंगे। सेक्टर 62 और सेक्टर 128 में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज हैं, हॉस्टल कैसा है, और आपका मैनेजमेंट कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम फीस भी बात करेंगे। तो शुरुआत यार हम चलो फीस से ही कर देते हैं। तो JIT नोएडा की अगर बात करें यार, तो फर्स्ट ईयर में आप ये 2019 के लिए है सबसे पहली बात, तो 2,28,000 है, फिर 2,36,000 और ऐसे करते करते फोर्थ ईयर में आपकी 2,74,000 है। ये फिफ्थ ईयर यार उन सभी बच्चों के लिए है जो कि इंटीग्रेटेड MTech कोर्स लेते हैं जिसमें आपको BTech प्लस MTech दोनों डिग्री मिलेंगी, ठीक है। अब साथ में यार अगर हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो आपकी यार वो लगभग 1,24,000 है पूरे साल का, और उसके अंदर आपका फूड और लॉन्ड्री दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वकना घाट की बात करो तो ये वीडियो पॉज करके यार आप फीस देख सकते हो। अब सीधा यार ऊपर थोड़ा डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम JIT नोएडा की बात करें तो यार आपको अंडर ग्रेजुएशन में यहाँ पे बीटेक के अंदर चार कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। पहला है आपका बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, EC एंड IT स्ट्रीम। सिमिलरली इंटीग्रेटेड MTech में आपको सिर्फ तीन कोर्स मिलते हैं, बायोटेक, कंप्यूटर साइंस और EC, ठीक है। जैसी आपकी रैंक आए आप वैसी वो चूज़ कर सकते हो। वकना घाट का भी आप यार ऐसे वीडियो पॉज करके देख लेना, वकना घाट, सॉरी मैं बीच बीच में अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और सिमिलरली आप गुना का भी देख सकते हो वीडियो पॉज करके कि क्या क्या आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी जो चीज़ मुझे लगी यार वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि नोएडा में 8th सेमेस्टर में कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में भेजा जाता है एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो एक सेमेस्टर वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में पढ़ के आते हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है उन सभी बच्चों के लिए, मतलब जो अच्छे हैं, मतलब सब बच्चों को नहीं भेजते हैं, कुछ बच्चों को भेजते हैं। अब अगर यार हम अंडर ग्रेजुएशन में सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये यार आपके सामने डिस्प्ले हो रखी है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ देखना यार कि नोएडा में सेक्टर 62 और सेक्टर 128 दोनों की सीट मिला के बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यार जो एडमिशन क्राइटेरिया है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपका एडमिशन JEE मेंस के बेसिस पे होता है, पर जो बायोटेक ब्रांच है उसमें आधे बच्चों का एडमिशन 12वीं के नंबर के बेसिस पे होता है। साथ में यार आपको सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री भी मिलती है। सिमिलरली अगर आप वकना घाट और गुना की बात करोगे तो वहाँ के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, तो इनके ऊपर यार मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि आप सब बोर हो जाओगे, वीडियो लंबा जाएगा। तो आप यार यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, वहाँ पे आपको सारे ब्रोशर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप JEE मेंस के बेसिस पे आ रहे हो तो ये एडमिशन प्रोसीजर है, 12वीं के नंबर के बेसिस पे आ रहे हो तो ये एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आप NRI स्टूडेंट हो, NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आते हो तो भाई आपका ये प्रोसीजर है, यही आपका मैनेजमेंट कोटा भी है, ठीक है। और लेटरल एंट्री है तो आपका ये तरीका है। अब सीधा यार वीडियो पे और आगे बढ़ते हैं। एडमिशन कैलेंडर की बात करें यार तो लगभग 12 मार्च से शुरू हुए थे और 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। काउंसलिंग कब होगी, कहाँ पे होगी, ये सारा आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम यार जल्दी से प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये जितने भी यहाँ पे हम स्टार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, और वही कारण है कि इतना घटिया फॉन्ट है क्योंकि मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लिया था। तो 93% प्लेसमेंट गई है यार चारों कैंपसेस की मिला के 2018 में। हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 39.12 लाख दिया है अडोबी ने। 5 कंपनियाँ थी जो कि 16 से 40 लाख के बीच का पैकेज दे रही थी, 18 कंपनियाँ थी जिन्होंने 8 से 16 लाख के बीच का पैकेज दिया है, ठीक है, और ये एक अच्छा नंबर है। अगर 32 कंपनीज थी जिन्होंने 5 से 8 लाख के बीच का पैकेज दिया, और 81 कंपनीज थी जिन्होंने 3 से 5 लाख का पैकेज दिया। तो पॉइंट समझ रहे हो, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा मतलब 6 लाख से ऊपर का पैकेज चाहिए, तो यार आपको अपने बैच के टॉप के 20-25% बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यार आपने बहुत फीस इन्वेस्ट करोगे इसमें। अभी आपको मैंने फीस डिस्प्ले भी की थी, जब आप 12 से 15 लाख रुपए खर्च करते हो ना यार अपने पेरेंट्स के, तो आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि यार हमें रिटर्न्स अच्छा मिले, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल लेते हैं उनकी तो और भी ऊपर जाती है फीस। तो यार अब हम कैंपस वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोलान कैंपस देखते हैं। सोलान बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश वाला हो गया, वकनघाट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज आपका 17 लाख गया, करीबन 18 लाख। सेकेंड हाईएस्ट 14.5 लाख गया है। और इन्होंने एवरेज प्लेसमेंट नहीं बताई है यार, इन्होंने ये बता दिया कि कितनी परसेंटेज प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, कितने बच्चे प्लेस हो गए परसेंटेज वाइज, पर एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने किसी भी कैंपस की ऑफिशियली नहीं बताई है। सिर्फ हाईएस्ट सैलरी और सेकेंड हाईएस्ट सैलरी और कितने बच्चे प्लेस हुए, सिर्फ ये बताया है। तो एवरेज सैलरी हम निकालेंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। तो यार हमारे पास ये 2016 के स्टार्ट्स मिले थे मेरे को कुछ। अब यार ये 2016 के प्लेसमेंट स्टार्ट्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी कंपनीज हैं यार लेफ्ट साइड में, और उन्होंने कितना पैकेज दिया वो भी साथ में मेंशनड है। तो इससे यार हम एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट लगभग क्या रहा होगा। अब यार यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, जितना हाई पैकेज होता है ना उतने कम ऑफर होते हैं। अगर 39 लाख देने वाली एक कंपनी आई है तो वो मैक्स टू मैक्स एक या दो बच्चों को उठा के लेके गई होगी। पर TCS जैसी अगर कोई कंपनी आई है जो कि 3.5 लाख का पैकेज देती है तो वो 20-30 बच्चों को भी उठा के ले जाती है, ठीक है, तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यार लगभग 12 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5.5 लाख, 19 लाख, 6 लाख, 3.25, 3.5, 5.3, 3.37, 4.27। यहाँ पर अगर यार हम एवरेज पैकेज का अंदाज़ा मारें तो लगभग लगभग 5 लाख के करीब आएगा, बेस्ट केस में 5.5 तक जाएगा, ठीक है यार। तो ये आपका एवरेज पैकेज है, पर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब अगर आप अपने क्लास के ऊपर के 20-25% बच्चों में हो तो आप एक 6 लाख से ऊपर का पैकेज उठा सकते हो, और हमें वही चाहिए। जल्दी से यार कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो कट ऑफ यार लगभग ये रही है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस लगभग आपको 51,000 रैंक में मिल जाएगा, ये 2018 की है यार, ठीक है। और सिमिलरली अगर GIT नोएडा सेक्टर 128 की बात करें तो उसकी ये कट ऑफ रही है। अब जल्दी से यार सेक्टर 62 और सेक्टर 128 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 62 है यार वो आपका मेन कैंपस है, और जो 128 है वो आपका सिस्टर कैंपस या एक्सटेंडेड कैंपस भी आप बोल सकते हो। अब दोनों में यार सेम एग्ज़ाम पेपर आता है, ठीक है, दोनों में जो कंपनियां हैं प्लेसमेंट के लिए वो भी एग्जैक्ट सेम है, पर जब प्लेसमेंट होंगी तब आपको सेक्टर 62 में आना पड़ेगा। और ये अच्छी बात भी है, चाहे आपको यार एडमिशन के दौरान सेक्टर 128 मिलाओ, पर 62 में जो कंपनीज आ रही है वहाँ पे सारी कंपनीज में आप बैठ सकते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज सारी मिलेंगी। सेक्टर 62 का यार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइज़ में भी वो थोड़ा बड़ा है। वैसे तो दोनों कैंपसेस बहुत छोटे हैं, 15 एकड़ का है सेक्टर 62 और सेक्टर 128 मात्र 8 एकड़ का है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं है, छोटे कैंपसेज हैं, ठीक है। सेक्टर 128 में यार सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, और जो बाकी बच्चे होते हैं यार उन्हें सेक्टर 62 से अप डाउन करना होता है। अगर मान लो आपको हॉस्टल चाहिए तो फिर आप फर्स्ट ईयर वगैरह में सेक्टर 62 से अप डाउन करते हो, मात्र लगभग 18 किलोमीटर का कुछ डिफरेंस है, तो आपको बस प्रोवाइड की जाती है। जो सेक्टर 62 का कैंपस है यार वो प्राइम लोकेशन में है, मतलब आपको घूमने फिरने के छोटे मोटे मॉल मिल जाएंगे। पर सेक्टर 128 थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो लोकेलिटी इतनी ज़्यादा कंटेम्प्ररी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, समझ रहे हो। तो अब जल्दी से यार हॉस्टल को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है और ठीक ठाक फीस लेता है आपसे हॉस्टल की, तो आपको उसके हिसाब से सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सरकारी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पे वाईफाई मिलेगा यार आपको, ऑल दो उस पर 1 GB की लिमिट होगी, हो सकता है फ्यूचर में ये लिमिट हटा दें। जनरेटर्स होंगे तो हमेशा बिजली रहेगी, रीडिंग रूम है, टेबल टेनिस, चेस, कैरम ये तो हर जगह होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उससे कनेक्टेड है तो जाके बाहर भी खेल सकते हो, सही है, वाटर हीटर है, वाटर कूलर भी है, AC लगे हुए हैं यार, प्रॉपर विंडो AC है, स्प्लिट AC नहीं है, आपका सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। पर वो आपका यार रात को ही स्टार्ट होता है, या तो रात को 9 से 4 होगा या 10 से 5 होगा, मतलब ये चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा।
हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस में यार आपका मेस भी कवर होता है, लॉन्ड्री भी कवर होता है और स्विमिंग फैसिलिटीज सब उसी के अंदर आता है। आपके 3 ही मील होते हैं यार दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इवनिंग स्नैक्स नहीं मिलते हैं, जो कि मतलब मेरे कॉलेज में मिलते हैं, तो मिस करोगे तुम उसे। फूड ओके ओके है, देखो यार किसी भी हॉस्टल में है ना, कोई यूँ नहीं बोलेगा बड़ा शानदार खाना है, ओके ओके होता है हर जगह, और ओके ओके से काम चलाना होगा। डबल रूम्स होते हैं यार आपके नोएडा में, बाकी अगर हम वकना घाट की बात करें तो उधर आएंगे सिंगल और डबल रूम दोनों हैं। अब ये आपका यार सेक्टर 62 के हॉस्टल हैं, और उनकी कैपेसिटी क्या है वो है आप सेक्टर 128 में देख सकते हो, सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें मात्र 100 सीट है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के नाम से नहीं है, पर यहाँ पे एनआरआई कोटा है। ठीक है, और एनआरआई कोटा बेसिकली क्या होता है कि आपको जो अपनी फ़ीस होती है ना वो तो फॉरेन करेंसी में देनी होती है, और एडमिशन किस बेसिस पे होता है, आपके 12वीं के नंबरों के बेसिस पे। आपका बस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आपको फॉरेन करेंसी में बस पेमेंट करनी होती है। तो कुछ बच्चों ने वहाँ का बताया कि काफ़ी इंडिया के ही बच्चे होते हैं, बाहर से फॉरेन करेंसी में पेमेंट करवा देते हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू, और वो वहाँ के फिर एनआरआई कोटा में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी, काफ़ी सारी सीट्स होती हैं यहाँ पे। तो कैसे एडमिशन होता है वही आपको मैंने बताया था, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, डिटेल आपको ब्रोशर मिल जाएगा, ये रहा आपका एनआरआई, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, तो आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसीजर। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, और इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ 1 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, तो कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पे लाइव पूछ सकते हो, यहाँ पे मैं हैंडल डिस्प्ले कर दूंगा। तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे, एंड फ्यूचर में यार काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इसी सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम अमेठी को कवर करने वाले हैं, ठीक है, आपका जादवपुर भी आने वाला है, UPS देहरादून को भी हम कवर करेंगे, आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा, अमृता, गलगोटिया, ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस अभी अगले 10 दिनों में आ जाएंगे। तो सिया, बाय बाय। अच्छा यार एक और चीज़, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिया।